हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और देख सकते हैं हम लोग झिरकी पंचायत में हैं, जो कथारक कलवरी है यहाँ हमारे झिरकी पंचायत सामने, जो इसमें आग लगी हो बहुत पहले से लगे आग, और इतना जहरीला गैस भी निकल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ का जनता, यहाँ का पीड़ित लोग, यहाँ बच्चा सब परेशान यहाँ से, और यहाँ का जनता भी बुड़बक है, यहाँ कोई ध्यान नहीं देने वाला है। आश्वासन ही मिलता है, कोई भी आते हैं यहाँ पर जीएम पीओ भी तो आश्वासन दे के चल जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना धुआं भी निकला, धुआं नहीं है, जहरीला गैस है, और यहाँ का पीड़ित लोग पूरा परेशान है। चलिए दिखाते हैं यहाँ का कैसा निकल रहा है जहरीला गैस, कितना भयानक से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पर फेस है, यहाँ पर पूरा कोयला है, यहाँ पर इतना आग पकड़ा हुआ है, कितना तक आग पकड़ा हो कोई पता नहीं कर पाया। और बस्ती तक आग घुसा है या यहीं तक आग है, बस इतना ही धुआं निकल रहा है, देख सकते हैं। चलिए यहाँ भैया लोग है कुछ, यहाँ पूछते हैं भैया लोग को कैसे हुआ यहाँ पर। चलिए पूछते हैं भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सदाब आलम है, मैं झिरकी का निवासी हूँ। देखिए बगल में ही देखिए कितना भयानक वहाँ प्रदूषण निकला हुआ, आग निकला हुआ है। और बगल में देखिए यहाँ से सटा हुआ बस 100 मीटर दूर ही है हम लोग का मकान, और दिख भी रहा होगा कितना जहरीला गैस निकल रहा है। और यहाँ का आदमी लोग को पता नहीं मैनेजमेंट क्या, उन लोग को लाभ दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, उन लोग चुपचाप हो जाते हैं। हम लोग जिंदगी मौत के कगार में है, मतलब मान के चलिए कि फर्स्ट झरिया था, ये सेकंड झरिया बनने ही वाला है। और हमारे विधायक, हमारे सांसद, उन लोग को कितना कानों में खबर किया है, लेकिन पता नहीं। हम लोग का गांव झिरकी बस्ती एक इकलौता पंचायत ऐसा है कि हम लोग को कोई नहीं देखने वाला है। यहाँ का जीएम, यहाँ का पीओ एकदम हो गया है, बदमाश हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम बस यही गुजारिश करते, यही मांग करते हैं कि हम लोग का आवाज़ सोशल मीडिया के तहत पूरा हिंदुस्तान में जाए, और हम लोग को इंसाफ मिले कि हम लोग आप जिए कि मरे कि क्या करें। जहरीला गैस खा के हम लोग मर जाते हैं, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। हम यहाँ का सरकार से भी अपील करते हैं, मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का आवाज को सुने और हम लोग पर इंसाफ हो। झिरकी का प्रतिनिधि जो है सो आपको नहीं देखता है क्या? नहीं नहीं देखते हैं, सब देखते हैं। पता नहीं उन लोग को क्या मजबूरी है कि अगर वो लोग जाते हैं मैनेजर के पास तो उन लोग पता नहीं उन लोग दबाव के कारण ये के कारण उन लोग भी बेबस हो जाते हैं। हम उन लोग का दोष नहीं देंगे, लेकिन यहाँ का जो ठेकेदार लोग जो है उन लोग को जो है कि थोड़ा बहुत काम देकर और मुंह को बंद किया जाता है। देखिए बगल में ही बाउंड्री वॉल दे दिया है, बंद हो गया है, है? यहाँ का जब जब आवाज उठता है हम लोग जब जब आवाज। अभी देखिए इधर भी आग लगा हुआ था, यहाँ पर मिट्टी यहाँ पर ढक दिया है, लेकिन आग जो है आग बहुत दूर तक चला गया है। बस यही हम कहते हैं कि मैं भारत का निवासी हूँ, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं यही मिट्टी से जन्मा हूँ, यही मिट्टी में चला जाऊंगा। लेकिन मैं बस यही कहता हूँ कि मैं जाते जाते अगर मैं कुछ कर पाया तो बस मैं बोलता हूँ कि हम लोग के साथ इंसाफ हो और हम लोग को यहाँ से कहीं दूसरा शिफ्ट हम लोग को किया जाए, नहीं तो सेकंड झरिया बनने में कोई देर नहीं है। अगर हम लोग का कुछ भी होता है, अगर हम लोग का जान माल नुकसान कुछ भी होता है, कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जीएम, यहाँ का पीओ सब जिम्मेदार है। चलिए बहुत अच्छे भाई बोले। और यहाँ पर ये भैया हैं, और भैया से चलिए पूछते हैं जो यहाँ का जैसा हालत है यहाँ का कलवरी का और बगल में बस्ती आपका। हालात किसी से छुपा हुआ नहीं जी, हम तो यही इतना धुआं उठ रहा था घर से, मेरे यहाँ से 100 मीटर दूर भी नहीं है, हमको लगा कि जैसा देखा जाए क्या मामला है। मामला बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। यहाँ तो बहुत दिनों से देखते हैं लोगों का भीड़ लगा रहता है, नेता लोग खड़ा करते हैं, लोग भीड़ इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ की जनता को भी सोचना होगा कि कोई बहुत छोटा सा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ ये हेडक्वार्टर तक के लिए ही तो बात जाना चाहिए। रह गया कि यहाँ के लोग जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि है, हमारे मुखिया है, सरपंच है, गांव के मानिंद लोग हैं, तो पीओ जीएम के पास जाते हैं, बस छोटा मोटा कुछ बात बोल के उन लोग को समझा दिया जाता है। और उन लोग का भी मैनेजमेंट भी सोचता है हम तो यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए, ड्यूटी करके हम चले जाएंगे, 6 महीना रहना है, साल भर रहना है, लेकिन ये
बरसों का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि ये आज आग लगा है। आग लगे तब हम लोग जब से छोटा थे तब से देख रहे कि आग लगा हुआ है। रह गया यहाँ पे कोई बड़ा नेता, चाहे विधायक हो या सांसद हो, इनको हेडक्वार्टर में बात उठाना चाहिए और इसका मामला को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहिए। चाहे खत्म कैसे होगा, खत्म कैसे होगा, किस हद पे होगा, चाहे हम लोग को विस्थापित कर दिया जाए। विस्थापित करने के लिए करना क्या होगा, हम लोग को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, अन्यथा कोलेरी को परमानेंट इसको बढ़िया से खोद के आग बंद कर दिया जाए, कोलेरी को बंद कर दिया जाए, दूसरी तरफ कोलेरी ले जाए, और क्या कर सकते हैं। यहाँ खत्म कैसे होगा भाई, आग आग खत्म कैसे होगा, आग हमको लगता है कि यहाँ हम ही लोग खत्म हो जाएंगे, चाहे फिर विस्थापित कर खत्म किया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो यहाँ पर सुनने में आए तो 10 दिन बाद यहाँ पर CMD आए थे जी। अभी तो मैंने वही कहा कि छोटा लेवल के नहीं है, बड़ा लेवल के बाद CMD साहब आए, वो आके यहाँ चले गए, देखे उके, उसका जवाबदेही किसका है, यहाँ के जनप्रतिनिधि तो है या किसको है, पूछिन कौन किनसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि सर मेरा कहाँ तक क्या हुआ, आप देखे क्या समझ में आया, उनसे सवाल करने वाला आदमी चाहिए ना। वहाँ हमारा जैसा एरा गेरा आदमी जाएगा और बोलेगा कि सर हम आए हैं कोलेरी के लिए, तो हमको लगता है वहीं से हमको भगा दिया जाएगा। भैया उसके लिए एक टीम बनना चाहिए, गांव में टीम बनाना चाहिए, टीम ये जाएगा कि नहीं हम उस गांव से आए सर, मेरा प्रोसेस क्या है पेपर, ये तब ना जाके होगा। अभी हम CMD पास कौन जाएगा, बोलता है वो जाएगा। आज से 2 महीना पहले टीम रांची गया था, बताइए हम भी पहले नहीं है, बताइए। आज से पहले 2 महीना पहले हमारे झिरकी का टीम रांची गए थे, कुछ मानी लोग भी थे, झिरकी वासी थे। उस टाइम में पता नहीं CMD क्या क्या आश्वासन दिए हैं कि हम जाएंगे वहाँ देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। CMD साहब आए 15 दिन पहले, CMD साहब आए यहाँ देख के गए, पता नहीं उसके बाद क्या क्या आश्वासन PO को दिया, GM को दिया, मिट्टी भरने लगे। लेकिन देखिए हमारे पीछे देख लीजिए कैसा जहरीला गैस जा रहा है, बगल में 100 मीटर दूर में है, हम लोग कैसे रह रहे हैं ना, बस हम लोग हिल स्टेशन थोड़ी घूमने आए, हम लोग जो है बस यहाँ CCL जो है बस यही चाह रहा है कि लोग मर जाए और फ्री फोकट जो है कि झिरकी को तोड़ के और हम लोग कोयला को निकासी कर लें, बस यही बस चाह रहा है CCL, और कुछ नहीं चाह रहा है। हम लोग को मार के और यहाँ से कोयला जो है कि निकासी यहाँ से मतलब कर लेगा।